नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इस समय हिंदी भाषा शिक्षण के वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ लगातार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्रियों की। हम बात करेंगे कि कैसे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ शिक्षकों की मदद करती हैं, अधिगम बच्चों को अधिगम के कराने के लिए कैसे विद्यार्थियों की मदद करती हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। शिक्षण सामग्री सहायक सामग्रियाँ होती क्या है? वे सामग्री जो बच्चों को कोई भी चीज़ समझाने के लिए प्रयोग की जाए, जैसे प्राचीन काल से ही जो शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री प्रयोग की जाती थी, श्यामपट्ट, चौक। अब धीरे धीरे नई नई तकनीकों के साथ अलग अलग शिक्षण सामग्री सहायक सामग्रियाँ हमारे सामने उपस्थित होती चली जा रही हैं। शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों को कोई भी चीज़ सरलता से समझाने में काम आती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मूर्त रूप से बच्चों के सामने होती हैं, इसलिए बच्चों को इनसे कोई भी चीज़ समझने में सरलता रहती है। हम बात करें तो यहाँ बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी देखें, अगर हम कोई चीज़ टीवी में देख लेते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है कि अगर ऐसे कोई हमें बताए उसकी अपेक्षा। तो ये होती हैं शिक्षण सहायक सामग्रियाँ। शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता क्यों होती है? जाहिर सी बात है, शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों को सरलता से अधिगम कराने में सहायक होती हैं, बच्चों को रटने की प्रवृत्ति में रोक लगाती हैं। मान लीजिए, अगर हम भूगोल पढ़ा रहे हैं और बच्चों को बार बार राज्यों की स्थिति बता रहे हैं तो वो बच्चों को याद नहीं होगी और बोरिंग भी लगेगी। इसी जगह हमने एक मैप का इस्तेमाल किया और लोगों को बताया कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे दक्षिण में केरला है। इस तरह से जब हम उन्हें बता देते हैं तो वो चीज़ें बच्चों के लिए थोड़ी रुचिकर भी हो जाती हैं और उन्हें आसानी से दिमाग में रह जाती हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। जो बच्चे मानसमंद हैं उनके लिए तो ये शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, ये समझिए, वरदान है, क्योंकि उनको किताबों से समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो शिक्षक होते हैं उनको कोई भी चीज़ सरलता से बच्चों को समझाने में काम आती है। शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चे बहुत ही आसानी से कोई चीज़ याद कर लेते हैं, बोर नहीं होते हैं, उनकी रुचि बनी रहती है। जो अधिगम होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अगर हमारी एक की अपेक्षा एक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ उसको सीखने में कार्य कर रही हों तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमें ज़्यादा स्थायी रूप से याद रहेगी। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हमको वही प्रदान करती हैं। जब हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें हमारा एक से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, जिससे चीज़ें ज़्यादा स्थायी होती हैं, पाठ या विषय बच्चों में ज़्यादा स्थायी होता है। भाषा की सहायक सामग्री के प्रकार, भाषा की सहायक सामग्री तीन भागों में बांटी जा सकती है। तीन प्रकार हैं उसके। श्रव्य सहायक सामग्री, जो सुन के जिससे हमें अधिगम प्राप्त हो, श्रव्य सहायक सामग्री जिनमें कानों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो या इस तरह की जो ध्वनि रूप में हमारे कानों तक पहुंचती हैं, वो श्रव्य सहायक सामग्रियों में आती हैं। दृश्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्रियों में प्रोजेक्टर या जो भी चीज़ें जो आँखों के जरिए हमारे आँखों की ज्ञानेंद्रियों का जहाँ प्रयोग हम करेंगे वो सारी चीज़ें दृश्य सहायक सामग्री में आएंगी। दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री वे सामग्रियाँ होंगी जहाँ पे हमारी दोनों सहायक जो ज्ञानेंद्रियाँ होंगी वो सक्रिय होंगी, कान भी और आँख भी, जहाँ दोनों सहायक ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जिन सहायक सामग्रियों के प्रयोग में सक्रिय हो जाएंगी वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियाँ होंगी। परंपरागत और द्योतन सहायक सामग्रियाँ कौन सी होती हैं? परंपरागत वो सहायक सामग्रियाँ हैं जिनका प्रयोग बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, जैसे किताबें,
श्यामपट, लपेटपट, चौ और ये सारी परंपरागत सहायक सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा से ही बच्चों को पाठ और पाठ्य पुस्तकें पाठ पढ़ाने में करते आए हैं। परंपरागत उद्योतन सामग्री में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। मान लीजिए हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों की, तो किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले ये साधन पाठ को नियोजित करने में सहायक हो, पाठ को नियोजित करने में, उसको समझाने में सहायक हो। ये साधन पठित अंशों की पुनरावृत्ति के आधार पर बन सकें। जो भी पाठ हमने पहले पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति का आधार लेते हुए ही इनका निर्माण होना चाहिए। ये साधन गृह कार्य और वाचनाभ्यास में सहायक हों। इनमें गृह कार्य की मतलब गृह कार्य के लिए जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, पीछे अभ्यास दिया जाना चाहिए और वाचनाभ्यास बोलने का अभ्यास करने में सहायक हों। ये पाठ्य वस्तु का संग्रहीकृत आधार बन सके। ये पाठ्य पुस्तकें ये सहायक सामग्रियाँ इस तरह की होनी चाहिए कि एक संग्रह के रूप में बच्चे उसका प्रयोग कर सकें, संग्रहीकृत हों, जिनमें सारे ज्ञान का सार दिया हो। ये साधन मूल्यांकन का आधार बन सके। आप सभी जानते हैं कि जो आज पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो वाचनाभ्यास में, मूल्यांकन में, और ये एक तरह से हमारी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएँ बताई जा रही हैं और इससे प्रश्न पत्र में प्रश्न भी बहुत पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये साधन भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों। ये जो साधन है ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य, सारे जितने उद्देश्य हमें होते हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों। भाषा शिक्षण के उद्देश्य मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद स्वनिर्मित उद्योतन सामग्री के अंतर्गत हम निम्न सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो शिक्षण में सहायक सामग्री होती है या जो साधन होते हैं उनमें से कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनको हम स्वनिर्मित कर सकते हैं, जैसे चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, प्रतिरूप, चार्ट, शैक्षिक यात्राएं, ये सब शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित की जा सकती है। ये सब वे सहायक सामग्रियां हैं जो शिक्षक स्वनिर्मित कर सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक उपकरण एवं दृश्य श्रव्य साधन, वैज्ञानिक उपकरण और दृश्य श्रव्य साधन तीन भागों में बांटे जाते हैं। हमने यहाँ बात कर ली परंपरागत सामग्री की, स्वनिर्मित सामग्री की, अब बात करेंगे वैज्ञानिक उपकरणों की। सबसे पहले दृश्य उपकरण। दृश्य उपकरण कौन होते हैं? मैजिक लैटर, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब दृश्य साधन होते हैं जिनमें हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है श्रव्य उपकरण। श्रव्य उपकरण जिनमें हम अपने कानों का प्रयोग करेंगे, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन और इत्यादि जो सामग्रियां हैं वो सब श्रव्य उपकरणों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दृश्य और श्रव्य उपकरण, वे उपकरण जिनमें हमारी आँख और कान दोनों सक्रिय हो, जैसे नाटक, टेलीविजन, चलचित्र, इसमें हम देखते और सुनते दोनों हैं, तो दोनों ही हमारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की शिक्षण में सहायक सामग्री की अवधारणा, उनकी विशेषताएं और कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग हम कर सकते हैं और उनको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करके हमें अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।